जिब्राइल अलैह सलाम कौन थे? आज हजरत जिब्राइल के वाकिए को सुनकर के हम उनकी पूरी जो स्टोरी है, जो उनकी जिंदगी की कहानी रही है, वो जान जाएंगे। और मी बीइंग अ हिंदू, मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है एक इस्लामिक वाकिया सुनना और एक्चुअली इस्लाम को समझना। हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से और आज हजरत जिब्राइल का वाकया सुनने के लिए आपके साथ बैठ गई हूँ। खुश नसीबी देखिए मेरी कि आप जैसा मुझे हमसफर मिला है इस वीडियो के दौरान, मैं बड़ी खुश हूँ आज। और जब आप खुश होते हैं ना तो आप चहचहा रहे होते हैं, आप स्माइल कर रहे होते हैं और यही जिंदगी है, यही जीवन है। प्यार बांटना, प्यार बढ़ाना, दिस इज वॉट लाइफ इज। एंड नो मैटर कितने भी दंगे फसाद होते रहे दुनिया में, हमें हमारे ईमान के रास्ते पे एकदम कायम रहना है, अड़िग रहना है, हंसते मुस्कुराते रहना है। यही तो हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक हुजूर साहब ने कहा था। दिल से बोल रही हूँ कि हदीस की काफ़ी सारी ऐसी प्रीचिंग्स होती हैं जिसे आप अपनाएं अपनी असल ज़िंदगी में तो बहुत बेहतरीन जीवन हो जाता है। जैसे कि मुस्कुराहट इज द प्राइम टीचिंग ऑफ तबलीगी जमात। मुस्कुराते रहो मेरे दोस्त, और पूरी मुस्कुराहट के साथ ही ये वीडियो आप देखने चाहिए मेरे साथ, ये शर्त है। वैसे हजरत जिब्रील को क्रिश्चियनिटी में एंजल गैब्रियल कहते हैं, ये मैंने सीखा था। और सीखना इज द प्राइम नेसेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बींग, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। स्टार्टेड 600 परों वाला एक हैबतनाक फरिश्ता, 1.25 लाख पैगंबरों तक पैगाम पहुंचाकर तमाम नबियों का मुअल्लिम और मददगार बनने वाला। ओहो, क्या बात है। फरिश्ता जिब्राइल की तारीख क्या है? जिब्राइल मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा तक जाकर क्यों रुक गए थे? हम इस वीडियो में फरिश्ता जिब्राइल के उन हकायक को पेश करेंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। बहैसियत मुसलमान फरिश्तों पर ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान इकरार करता है कि वो ईमान लाया है अल्लाह पे, उसके फरिश्तों पे और उसकी किताबों पे और उसके रसूलों पे और कयामत के दिन और मरने के बाद फिर जिंदा होने पे। इस्लाम में फरिश्ते आसमानों पर रहने वाली बरगुजीदा और बाबरकत ऐसे मखलूक हैं जो खता से पाक और मासूम हैं। उनकी पैदाइश इंसानों से पहले हुई है, अल्लाह ने उनकी तख्लीक नूर से की है। वो अल्लाह की हमदो सना बयान करते हैं और उसकी तरफ से आयद मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर मामूर है। अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुँचाना उन्हीं फरिश्तों के जिम्मे हैं। उन तमाम फरिश्तों में चार मशहूर फरिश्ते हैं जिनके नाम हजरत जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं। इन तमाम फरिश्तों में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार और सबसे बरतर हैं। रिवायतों के मुताबिक फरिश्तों के 12 कबाइल हैं। हर कबीले में फरिश्तों की तादाद ज़मीन के ज़र्रात के बराबर है। अर्श इलाही के 6 लाख पर्दे हैं जिनके इर्द गिर्द फरिश्ते हमेशा घूमते रहते हैं। हर पर्दे के गिर्द इस कदर फरिश्ते हैं जितने दरिया में कतरे, लिहाजा उनकी सही तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दरबार में सबसे ज्यादा कर्ब हासिल है। जिब्राइल के माने अब्दुल्लाह यानी अल्लाह का बंदा है, मीकाईल के माने उबैदुल्लाह और इसराफील के माने अब्दुर रहमान है। दरअसल हर वो लफ्ज जो ईल के साथ मुंसलिक हो वो अल्लाह की इबादत करने वाला है। कुरान पाक में 3 मकामात पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम आया है। बाज जगह उन्हें रूहुल कुदुस और रूहुल अमीन भी कहा गया है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आलम वजूद में आए तो फौरन सजदे में गिर पड़े और ये सजदा तकरीबन 30,000 सालों की मुद्दत में ख़त्म हुआ। जिब्राइल ने जब सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, हमने तुम्हें नूर खास से पैदा किया और तमाम ख्वाहिशात, नफ्सियात, जिस्मानी बीमारियों, तलाश मौत से बरी रखा है। तुम्हें कोई बहकाने वाला और राह रास्त से भटकाने वाला नहीं होगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पाकी का इंतजाम कुछ इस तरह किया गया कि जन्नत में एक नहर तामीर हुई जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम दाखिल होकर गोता लगाते हैं और बाहर आके अपने पर को झाड़ते हैं। गोता लगाने के बाद जितने कतरे उनके परों से गिरते हैं अल्लाह हर कतरों से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। हालांकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं, अगर एक पर फैला दें तो आसमान के किनारे छुप जाएं।
जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा, तो हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया था कि जमीन पर जाओ और मिट्टी लेकर आओ ताकि उससे आदम को तैयार किया जाए। लिहाजा जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो अल्लाह ने फरिश्तों को उनके आगे सजदा करने का हुक्म दिया। उस वक्त सबसे पहले सजदा करने वाले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, उनके बाद हजरत मिकाइल, फिर हजरत इसराफील और फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। लिहाजा सबसे पहले सजदा करने की वजह से भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आला मकाम हासिल हुआ। हज़रत जिब्राइल को पैगंबरों पर वही नाजिल करने और आजमाइश में उनकी मदद करने के काम पर मामूर फरमाया गया था। हज़रत जिब्राइल आदम अलैहिस्सलाम पर 12 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 4 मरतबा, हज़रत इब्राहिम पर 42 मरतबा, मूसा अलैहिस्सलाम पर 400 मरतबा, ईसा अलैहिस्सलाम पर 13 मरतबा और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 24,000 मरतबा नाजिल हुए। तमाम अंबिया अकराम के सीरत में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक अहम किरदार रहा। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अजीम तूफ़ान से पहले कश्ती बनाने का इरादा किया तो वो हज़रत जिब्राइल थे जिन्होंने आपको कश्ती बनाना सिखाया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला तो उस वक्त हज़रत जिब्राइल ने आग को गुलजार बना दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया तो हज़रत जिब्राइल तेज़ रफ्तारी से कुएं के अंदर गए और हज़रत यूसुफ को अपने परों में थाम लिया, नेस कुएं में उन्हें हौसला दिया। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान बनकर ठहरे और कौम लूत ने उनके घर का घेराव कर लिया तो हज़रत जिब्राइल ने उन लोगों के मुंह पर अपना पर यूं मारा कि वो सारे लोग अंधे हो गए। उसके बाद कौम लूत के इलाके को अपने परों पर उठा लिया जो 5 शहर पर मुहित था और उन्हें ज़मीन पर पटक दिया। जब ज़िकरिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से औलाद की दुआ मांगी तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत जवान की शक्ल में उनके पास आए और उन्हें एक नेक और साले औलाद की खुशरंजी दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कलमाए कुन से हुई। मुख्तसर ये कि पैगंबरों के वाकयात में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ऐसा किरदार है गोया आपने दुनिया की तारीख को बदल डाला। तमाम नबियों के पास हज़रत जिब्राइल इंसानी शक्ल में आते थे, लेकिन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल को उनकी असली हालत में देखा है। जिब्राइल अमीन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मुलाकात का वाक़या नहायत ही दिलचस्प है। दरअसल हुजूर को तन्हाई पसंद थी और आप ग़ार हिरा में जाकर इबादत किया करते थे, लिहाजा एक दिन गारे हिरा में आप इबादत में मशगूल थे। इस असना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फरिश्ता आया और कहा, पढ़ो। आपने कहा, मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ते ने आपको सख्ती से दबा दिया, फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। हुजूर ने कहा, मैं नहीं पढ़ सकता। फरिश्ते ने दूसरी मर्तबा दबाया, फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। हुजूर ने कहा, मैं नहीं पढ़ सकता। तीसरी दफ़ा उस फरिश्ते ने आपको फिर दबाया और छोड़ दिया और कहा, अपने उस परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने इंसान को पैदा किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आए, आपका दिल लरज रहा था। आप अपनी जौजा हजरत खदीजा के पास आए और कहा, मुझे कंबल उड़ा दो। लिहाजा उन्होंने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपकी घबराहट कुछ कम हुई तो आपने हजरत खदीजा को सारा वाक्य बताया। इसके बाद हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफिल के पास ले गईं। वरका उन लोगों में से थे जो मोहत थे और अहले मक्का के शिर्क बुत परस्ती से बेजार होकर नसरानी हो गए थे और इंजील का अबरानी जबान से अरबी में तर्जुमा भी किया था। वो बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हजरत खदीजा ने उनसे कहा कि भाई जान, आप अपने भतीजे की बात सुनिए। वरका बिन नौफिल ने कहा कि बताइए, आपने क्या देखा। हुजूर ने गारे हिरा का पूरा वाकया बयान फरमा दिया। ये सुनकर वरका बिन नौफिल ने कहा, ये तो वही फरिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने हजरत मूसा के पास भेजा था। फिर वरका बिन नौफिल कहने लगे कि काश मैं आपके ऐलान नबूवत के ज़माने में तंदुरुस्त जवान होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्का से बाहर निकालेगी। ये सुनकर हुजूर ने फरमाया कि क्या मक्का वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे। तो वरका ने कहा, जी हाँ, जो शख्स भी आपकी तरह नबूवत लेकर आया लोग उसके साथ दुश्मनी पर कमर बस्ता हो गए।
वो फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हामी और मददगार बने। नबी की हिजरत हो, जंग बदर हो, मेराज का सफर हो या कोई और मौका, हर मकाम पर जिब्राइल अमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अक्सर एक खूबसूरत नौजवान दहिया कल्बी की शक्ल में आपके पास आते थे और अल्लाह का पैगाम सुनाते थे। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी असल सूरत में तुम्हें देखूँ। उन्होंने अर्ज़ की, आप बकीय गरकद में फुला तारीख को मुझसे मुलाकात करें, लिहाजा आप उस दिन वहाँ तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत जिब्राइल ने अपने परों से एक पर फैला दिया जिससे आसमान का उफक भर गया, यहाँ तक कि आसमान की कोई चीज़ भी नज़र न आती थी। एक रिवायत के मुताबिक एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से पूछा, ऐ जिब्राइल, ज़रा ये तो बताइए कि आपकी उम्र कितनी है। हज़रत जिब्राइल ने आपको जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी उम्र का सही इल्म तो नहीं है, लेकिन इतना याद है कि सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह के हिजाबात में से चौथे पर्दे में एक सितारा चमका करता था और वह सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था और मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सितारा 72,000 मरतबा देखा है। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से कहा, ऐ जिब्राइल, मुझे अपने रब की इज्जत की कसम, वो सितारा मैं ही हूँ। इस रिवायत को अली बिन बुरहान हलबी ने अपनी किताब सीरत हलबिया में नकल किया है, लेकिन इसकी कोई सनद नहीं मिलती, लिहाजा अक्सर उलमा इस रिवायत को मौजू करार देते हैं। अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को बेमिसाल खुसूसियात और बेइंतहा ताकत व कुव्वत से नवाजा है, लेकिन इसके भी कुछ हुदूद है। लिहाजा मेराज की रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो हजरत जिब्राइल वहीं रुक गए और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मैं यहां से आगे नहीं जा सकता, अगर मैं एक उंगली के बराबर भी आगे बढ़ूं तो जलकर खाकस्तर हो जाऊंगा। इंजील और तौरेत में हजरत जिब्राइल को गब्रील के नाम से जिक्र किया गया है। किताबे दानियाल और लुका में हजरत जिब्राइल के मुतालिक तफसीली जिक्र मौजूद है। मशहूर फलसफी इब्न सीना ने हजरत जिब्राइल के जात के मुतालिक अपनी तहरीर में एक लंबी बहस की है और ये साबित करने की कोशिश की है कि हजरत जिब्राइल देगर फरिश्तों की तरह नहीं, बल्कि उन्हें रूह के साथ अकल भी अता की गई है जिसकी कैफियत मावरा है। जिब्राइल अमीन के अंदर वो सलाहियतें हैं जो एक आम फरिश्ते के अंदर मौजूद नहीं होती। सच बताऊं तो मुझे एकदम एंजेलिक महसूस हो रहा था, जैसे कि आई एम सराउंडेड विद सम सॉर्ट ऑफ एंजल लाइक इन रियलिटी। जेन्युइनली इस तरीके का ये वीडियो क्रिएशन करा गया था जिसके अंदर एंजल्स वर शोन टू अस, राइट, उनके फेदर्स दिख रहे थे, बहुत ही नूरानी महसूस हो रहा था, है ना। उम्मीद करती हूँ इस वाक्य से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और आज मैं भी बहुत कुछ सीखी हूँ कि कैसे एंजल जिब्राइल जो है वो इस दुनिया के अंदर आए और वो कैसे अलग अलग रूप लेकर के आते थे और कैसे उनके पंखों से इतने सारे फरिश्ते दुनिया में भेज दिए गए। देखिए आज क्या हुआ ना, मैंने एक कट्टर हिंदू लड़की का एक वीडियो देख लिया एंड इट वाज रियली फनी फॉर मी, क्योंकि वो एक्चुअली सोच रही हैं कि वो हिंदुत्व स्प्रेड कर रही हैं। आई वुड नॉट लाइक टू टेक हर नेम, बहुत ही इनोसेंट सी लड़की हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो लोग कट्टरवाद मचाते हैं वो लोग खुद इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। किसी भी धर्म के अंदर अगर कोई कट्टरवाद मचा रहा है ना तो वो इंसान धार्मिक तो है ही नहीं, दैट्स फॉर श्योर। अगर आप धार्मिक हैं तो बी टॉलरेंट टू अदर पीपल्स रिलीजन ऑल्सो एंड कल्चर्स ऑल्सो, यही तो धर्म हमें सिखाता है। कुरान पाक की आयत भी तो यही कहती है कि हम सबको अल्लाह ने अलग अलग ट्राइब्स के अंदर बांट दिया है, पर हम लोगों को कभी बटना नहीं है, हमेशा एकजुट होकर के एक दूसरे को प्यार करते हुए जीवन बिताना है। प्यार बिना जीवन कैसा। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे बेहतरीन वाकये पर मैं रिएक्शन करती रहूँगी, तो आप अपडेटेड रहिए। अपना और अपने पूरे परिवार का ना भरपूर तंदुरुस्ती से ख्याल रखिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टेक केयर अगेन, अल्लाह हाफिज़।